हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस की कर्ण बैच में, और मैं आपका साइंस मेंटर्स, और मैं आपके आपका साइंस पढ़ाऊंगा और इस विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में हम आपको आपकी कक्षा 6 की विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर के बारे में सारे डिटेल से आपको अध्ययन कराएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए, जो चैनल पे नए होंगे उस चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले कक्षा 6 की जो विज्ञान है, उस कक्षा 6 के विज्ञान में आपको 17 अध्याय के बारे में अध्ययन करना है, 17 अध्याय के बारे में अध्ययन करना है, और उन 17 चैप्टरों के नाम उन 17 अध्याय के नाम लिखे गए हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला चैप्टर क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी आपको विज्ञान तो पढ़ना है, विज्ञान होता क्या है, विज्ञान आपको क्या बताता है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान एक प्रकार की जिज्ञासा है, एक प्रकार की इच्छा है, एक प्रकार की उत्सुकता है आपकी, कि आप जानने की जो इच्छा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है प्यारे बच्चों। तो विज्ञान के बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग सिलेबस ओवरव्यू देने के बाद आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आपको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना है दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी हम लोग अपने दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसे आप कहोगे दैनिक जीवन, दैनिक जीवन का मतलब होता है रोज, दैनिक मतलब होता है रोज, लगातार जो आप लोग आपके जीवन में रोज घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे आपको चलने के लिए साइकिल का उपयोग करते हो, मोटरसाइकिल का उपयोग करते हो, बस का उपयोग करते हो, ट्रेन का उपयोग करते हो, पर अलग अलग चलने के लिए। जैसे ज़्यादा दूरी जाना रहता है तो हम लोग बस, मोटरसाइकिल, ट्रेन, इन सब का उपयोग करते हैं। जैसे हवा लेने के लिए पंखे का उपयोग कर रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए मोबाइल कैमरे का उपयोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए पेन का उपयोग कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बुक का उपयोग कर रहे हैं। तो दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको पहले चैप्टर में आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चों। यानी आप अपने रेगुलर के दैनिक जीवन में, आप रेगुलर के जीवन में कहाँ विज्ञान का उपयोग करोगे वो आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आगे का आता है दूसरा, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा अध्याय आपको क्या बताएगा, पदार्थ के बारे में बताएगा, पदार्थ के समूह क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उनके बारे में बताएंगे। तो दूसरा चैप्टर क्या है, पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, मन में उत्सुक इच्छा उठी, पदार्थ क्या होता है। तो ये जो इच्छा उठी, ये जानने की जो इच्छा हुई, वही इच्छा आपकी विज्ञान कहलाती है, वही जानने की इच्छा क्या कहलाती, विज्ञान कहलाती है। जैसे मम्मी से कोई एक लड़की क्वेश्चन पूछती है कि मम्मी मम्मी खाना कैसे पकता है, भोजन कैसे बनता है, तो जो जानने की इच्छा हो रही है, प्रेशर कुकर में खाना इतने जल्दी क्यों बन जाता है, ये सब जो जानने की इच्छा उत्पन्न हुई वो आपकी क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। अब विज्ञान के दूसरे चैप्टर में आपको पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में पढ़ना, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ के समूह क्या होते हैं, इन सब की जानकारी डिटेल से पूरे दूसरे चैप्टर में आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चों। आइए तीसरा चैप्टर क्या है, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का मिश्रण, पृथक्करण का मतलब होता है मिश्रण, ठीक। अब एक या एक से अधिक पदार्थ को मिलाना, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो आप इस चैप्टर में पदार्थों के पृथक्करण के बारे में, यानी पदार्थों के मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको एक शरबत दिया जाता है, एक गिलास में शरबत दे दिया गया, आप शरबत पी लिए, तो क्या आप जरा सा सोचो कि शरबत कितने चीज़ों से मिलकर बना होगा, चीनी, नींबू, पानी, ठीक, ये सब चीनी नींबू पानी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थों का मिलन, पदार्थों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। यानी अध्याय 3 में आपको पदार्थ के पृथक्करण के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों। आगे आते हैं, चौथा चैप्टर है पास पड़ोस में होने वाला परिवर्तन। अब सबसे पहले परिवर्तन जान लेते हैं, परिवर्तन क्या होता है, और पास पड़ोस में, जैसे आप लोग के अगल बगल घटनाएं घटित होती होंगी। जैसे आपने देखा कोई पेड़ उग गया, पेड़ के उगने के बाद जो हरी पत्तियां होती है वो पीली पत्तियों में बदलना, ठीक, उसके बाद पेड़ का विकास करना,
पेड़ का सूखे होकर गिर जाना, ये सब क्या है? परिवर्तन है ना। तो जो ये परिवर्तन आपके आसपास के बगल हो रहे हैं, जैसे कोई वस्तु काला है तो काला है तो धीरे धीरे काले से जो है उसका लाल हो जाना, या कोई वस्तु है उसके आकार में बदलना, आकार मतलब पहले छोटा था बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे बड़ा होते 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 तो वो आकार में परिवर्तन हो गया। तो जो बदलाव होते हैं वो उनके बारे में इस चैप्टर के बारे में पढ़ना, यानी आपके पास पड़ोस में होने वो पास पड़ोस में उपस्थित वस्तुओं पदार्थों में होने वाला जो बदलाव है, होने वाला जो परिवर्तन है, वो आपको चैप्टर में बताना है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको अच्छे से अध्ययन करना है इसको। अगला आपका चैप्टर नंबर 5 आता है, तंतु से वस्त्र तक। तंतु क्या होता है? तंतु मतलब होता है रेशे, तंतु का मतलब होता है रेशा। रेशे से वस्त्र तक, यानी एक रेशे से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है वो आपको यहां पढ़ना है प्यारे बच्चों। रेशा क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा, रेशे से वस्त्र कैसे बनता है वो भी आपको पता चलेगा। इन सब की जानकारी इस पांचवें चैप्टर में पढ़ना है प्यारे बच्चों। अगला जीव जगत क्या है? जीव जगत, जीव जगत क्या होता है? जीवों का संसार, जगत मतलब संसार, तो जीवों का संसार के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव जगत कहलाएगा। यानी जीव का संसार क्या है? जैसे हम लोग का संसार क्या है, हम लोग का समाज क्या है, हम लोगों के साथ कौन रह सकते हैं, हम लोगों के साथ हम लोग किसके साथ रहना पसंद करते हैं, उसी प्रकार ये जीव लोग किसके साथ रहते हैं या जो जीवों का जो संसार होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे छठवें चैप्टर में प्यारे बच्चों। और सातवां क्या है प्यारे बच्चों? सातवां है जीवों में अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले आप समझेंगे अनुकूलन होता क्या है। अनुकूलन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग घर में, जैसे हम लोग क्या होते हैं ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो ये शरीर होती है, जो हमारी ये शरीर है वो ठंडे प्रदेशों में रहने की आदत डाल लेती है। जैसे गर्मी आती है तो गर्मी में हम लोग रहने की आदत डाल लेते हैं। उसी प्रकार जो ये जीव होते हैं वो जिस मौसम में जिस स्थान पर रहना स्टार्ट करते हैं वो अपने शरीर को उसी मौसम में उसी स्थान पर उसी वातावरण में ढाल लेते हैं, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे मछली जो होती है पानी में रहती है, अब पानी में रहने की वो अपने शरीर को जो है पानी के वातावरण में ढाल चुकी है, तो वो जो पानी के वातावरण में ढालना ही उसका क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। यानी अनुकूलन का मतलब भी है कि एक अच्छे से घर में रह रहे हो तो अच्छे से घर में रहने की अपने शरीर को अपनी आदत पड़ जाती है। एक जैसे प्यारे बच्चों समझिएगा, एक कोई बच्चा हो गया एक अच्छे से फ्रिज और अच्छे से एसी ये सब रूम में रह रहा है प्यारे बच्चों, और एक कोई बच्चा ऐसा है जिस रूम में कोई नहीं, गर्मी पूरा, न तो पंखा है न तो फ्रिज है न तो कूलर है न तो कुछ है डियर स्टूडेंट, तो उस बच्चे को गर्मी झेलने की आदत पड़ जाती है तो वो अनुकूलन कहलाता है। और इस बच्चे को जो आपके कूलर एसी पंखे बना रहा उसको जो है गर्मी झेलने की आदत नहीं पड़ती तो वो अनुकूलन है, ये भी अनुकूलन है। यानी शरीर को जिस अवस्था में रखना रहता है, जिस वातावरण में रखना रहता है, उसकी आदत पड़ना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आठवां चैप्टर है जंतुओं की संरचना, यानी जंतु की संरचना कैसे होते हैं, उसके पास दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो मुंह होते हैं, दो आंख होते हैं, दो कान होते हैं, दो नाक होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका कार्य क्या होता है, जैसे शेर क्या करता है, घोड़ा क्या कार्य कर सकता है, सांप क्या कार्य कर सकता है, इनके जो कार्य होते हैं वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नौवां चैप्टर आता है भोजन एवं स्वास्थ्य। भोजन एवं स्वास्थ्य समझिए जरा सा, भोजन एवं स्वास्थ्य क्या होता है? यानी भोजन है क्या? क्या रोटी दाल चावल ये सब भोजन है? नहीं, ऐसे हुए पदार्थ जिनको खाने से हमको ऊर्जा मिले, जिनके द्वारा हमको ऊर्जा प्राप्त हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। जैसे जिनको हम लोगों ने खाया, खाने के बाद हमको ऊर्जा मिल गई, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे भोजन कहलाते हैं। और स्वास्थ्य, हम लोग स्वस्थ, भोजन करने के बाद आपकी जो शरीर होती है वो शरीर स्वस्थ होनी चाहिए, तो स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, भोजन और स्वास्थ्य के बारे में। अगला आता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
यानी स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि आपके अंदर कुछ विटामिन ए बी सी की जो भी कमी हो जाती है तो क्या कमी आती है, ज़्यादा खा लेने से क्या होता है, कम खाने से क्या होता है, ये सब स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में स्वच्छता, यानी स्वच्छता का मतलब था साफ सफाई के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे हम लोगों को समाज में रहना है, कैसे समाज को साफ सफाई करना है प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। अगला आता है 11वां चैप्टर आता है आपका मापन। तो मापन जो होती है आपके दैनिक जीवन में, आप रोज मापन करते हो प्यारे बच्चों, रोज मापते हो, जैसे सुबह सुबह उठते हो तो मंजन करना स्टार्ट करते हो, तो जो ब्रश पे मंजन रखते होंगे वो जरूरी नहीं है कि पूरा जितना मंजन हो पूरा लगा के आप मंजन कर लेते होंगे, नहीं प्यारे बच्चों, उसका भी एक मापन है, एक लिमिट है, कम लेके लगाएंगे और अच्छे से मंजन करेंगे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद क्या होता है, खाना खाते होंगे, एक रोटी दो रोटी तीन रोटी की मापन होती होगी हर एक बच्चों की, यह जरूरी नहीं कि आप एक छोटे से बच्चे हैं तो आप 10 रोटी 12 रोटी खा सकते हो, तो हर रोज आप मापन करते हो, रोज मापते हो, तो ये मापन के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला क्या आता है, 12वां अध्याय का रहा गति, गति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब गति क्या होती है, जैसे सड़क पे चलती हुई गाड़ियां, पटरियों पे चलती हुई ट्रेनें, उड़ते हुए जहाज, ये सब क्या है, गति है, ये सब गति है, ये इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, गति के बारे में अध्ययन करेंगे। 13वां अध्याय क्या है प्यारे बच्चों, जो ये 13वां अध्याय है वो कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, मन में इच्छा उठी कार्य क्या होता है, रोज हम लोग कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खुश होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, ये सब क्या है, कार्य है। अब ये कार्य होती क्या है, ऊर्जा। अब ऊर्जा आपके पास, कहते होंगे कभी कभी बच्चों कि आप हम आपसे ज़्यादा बलवान हैं, आपके आपसे ज़्यादा मेरे पास शक्ति है, आप हमसे नहीं पा सकते, वो क्या है, वो आपकी कैपेसिटी है, वो आपकी ऊर्जा है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग 13वें अध्याय में प्यारे बच्चों। अभी नहीं, जब ये 13वां अध्याय आएगा तो हम लोग जान जाएंगे कार्य और ऊर्जा क्या होता है। अगला 14वां प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है प्यारे बच्चों, मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती से प्रकाश निकला, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, आपने लालटेन जलाया, बल्ब जलाया, बल्ब से प्रकाश निकलता है, पर प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे कार्य करता है, प्रकाश की उपयोग क्या है, तो प्रकाश के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, 14वें अध्याय में प्रकाश के बारे में जान जाएंगे प्यारे बच्चों। 15वां अध्याय क्या है, वायु। आपके चारों तरफ उपस्थित होने वाला एक गैस है जो कि वायु है, जो कि आपके चारों तरफ उपस्थित है, जब आप बेना होना लेके डुलाते हैं, पंखी डुलाना स्टार्ट करते हैं तो आपको हवा लगने लगता है, तो बेना पंखी हवा नहीं देता, आपके चारों तरफ वायु एकत्रित रहता है, उसको जो है केवल आपको जिससे जिसके कारण आप बेना पंखी डुलाते हो तो आपको हवा लगने लगता है प्यारे बच्चों, तो वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। 16वां अध्याय, वायु भी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जल भी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कहा गया जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है, यानी जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जल के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट जो आपका आता है वो कंप्यूटर है, और पूरी दुनिया जानती होगी, आप बच्चे प्यारे बच्चों आप भी जानते होंगे, कार्टून मोबाइल गेम से हम खेल रहे हैं, तो ये सब क्या है, कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करना। 17वां अध्याय आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे प्यारे बच्चों, और ये 17वां अध्याय आखिर कंप्यूटर क्या होता है, मन में इच्छा उठी जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक गिनने वाली मशीन होती है जो कि विद्युत पे चलती है, जो इलेक्ट्रॉनिक पे चलती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपको कक्षा 6 के विज्ञान में 17 अध्याय पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, और ये 17वां अध्याय पढ़ाने के बाद आपको पूर्ण रूप से हर एक चैप्टर में जितने प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं सारे प्रश्न अभ्यास हम अपने चैप्टर समाप्त करने के बाद आपको करा देंगे प्यारे बच्चों, और हर एक चैप्टर में 99% की गारंटी लेते हैं प्यारे बच्चों, आपको जरूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।